कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जनता का फैसला भी सामने आ जाएगा। इस चुनाव को हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो उसके पास सिर्फ सत्ता पाने का एक मौका ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की परीक्षा भी है। यही नहीं, राजनीति के जानकार तो इस चुनाव को प्रियंका गांधी की मिस से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी जिस तरह से पसीना बहा रही हैं, ये चुनाव उनकी इमेज को भी तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में 3 चरणों में पूरा किया। उन्होंने कर्नाटक के अंदर 511 किलोमीटर की यात्रा की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी यात्रा के दौरान कर्नाटक आई और अपने बेटे राहुल के साथ राज्य के मांड्या जिले में चली। सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान यहां कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का हाथ पकड़कर भी दौड़े। लेकिन अब देखना होगा कि सोनिया गांधी और सिद्धरमैया के साथ राहुल गांधी की दौड़ पार्टी के वोट प्रतिशत पर कितना असर डालती है।